देख रहे हैं ये आगे जो है दवार आएगा। दवार बोलते हैं अपने यहाँ जो, जैसे चौराहा बोलते हैं ना, तो यहाँ पे चौराहा को अरबी में दवार बोलते हैं। ये देखिए पूरा दवार है। अभी इसके अंदर जो है कि राउंडिंग के बीच में जो है थोड़ा सा जगह छोड़ा हुआ है फव्वारा वगैरह लगाने के लिए, अभी नहीं लगा है। काफ़ी जगह पे फव्वारा ये सब लग चुका है। ये जो रास्ता गया है ये देख रहे हैं, ये मतना को चला जाएगा। और ये रास्ता जो अभी हम जा रहे हैं मेरे दोस्तों, ये सीधे सूक अल बलद ताइफ में चला जाएगा। और आगे जाएंगे तो मस्जिद अल अब्बास भी इसी रास्ते पे आपको मिलेगी, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आपको मस्जिद अल अब्बास मिलेगी और लेफ्ट साइड ही यहाँ पे भी एक जो है चौराहा बनाया हुआ है। और चौराहे से जो है राउंड से लेफ्ट साइड आप जाएंगे तो सूक अल बलद मार्केट में चले जाएंगे। बलद बोलते हैं शहर को और सूक बोलते हैं मार्केट को, और मदीना भी शहर को ही बोलते हैं अरबी में। यानी एक ही चीज़ का कई नाम होता है, कई मायने होते हैं। ये देखिए अभी हम जो है कि शारा जैद से निकले हैं और इस वक्त जो है कि हम जो है तरीक जुनूब पे हैं। ये रास्ता सीधे, ये देखिए ये मस्जिद जो देख रहे हैं ना, ये मस्जिद अल अब्बास है, ये मस्जिद अल अब्बास है और ये पूरी मस्जिद अल अब्बास है। और अगर जो हम जो है कि ये रास्ता सीधे चले जाएंगे, कहीं भी कोई भी टर्निंग पॉइंट कुछ नहीं, एकदम सीधा चले जाएंगे, तो ये हमको जो है कि अलबाहा अबहा खमीस मस्जिद बिलजोरसी ये सब एरिया में लेके हमको ये रास्ता चला जाएगा सीधा। ये देख रहे हैं कितना बेहतरीन खूबसूरत शहर है माशाल्लाह। और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ना, ये ब्रिज है, पब्लिक ब्रिज है, पैदल जाने वाले क्रॉसिंग ब्रिज है। इसके ऊपर कैमरा लगाया है। अगर जैसे मैं बेल्ट नहीं लगाया हूँ या मेरी गाड़ी की स्पीड जो है 80 से, सिटी के अंदर 80 स्पीड होती है, बेल्ट नहीं लगाया हूँ या 80 की स्पीड में जा रहा हूँ तो इस पर कैमरा आ जाता मेरे दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।